हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सटीक नॉलेज में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस सोशल साइट ने कितना डोनेट किया है कोरोना रिलीफ या कोरोना से लड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विटर की। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्विटर है क्या। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी या मैसेज भेज सकते हैं। एक ट्वीट या फिर स्टोरी को आप 140 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। यही ट्विटर की सबसे बड़ी खासियत है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात रखनी पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि ट्विटर ने कितना डोनेट किया है। ट्विटर के को फाउंडर एंड CEO जैक डॉर्सी ने ट्यूजडे को कोरोना वायरस रिलीफ के लिए 1 बिलियन देने का अनाउंस किया है। आज के टाइम पे $1 की वैल्यू 75 रुपये होती है, तो 1 बिलियन की वैल्यू 7,600 करोड़ रुपये है आज के टाइम पे। तो ट्विटर ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 7,600 करोड़ रुपये दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं। टिकटॉक ने मेडिकल इक्विपमेंट सामान खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं इंडिया को। तो अब हम बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब ने अभी तक कुछ डोनेट नहीं किया है, पर अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे कोरोना से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो रेगुलर जारी कर रहा है जिससे कि लोग जान सकें। अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम ने भी अभी तक कुछ डोनेट नहीं किया है, पर अपने प्लेटफॉर्म पे रेगुलर मैसेज दे रहा है COVID-19 के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये रही सोशल साइट की सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमें अपडेट हुई है। सो अगर हमें आगे चल के कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कोशिश करेंगे आपको वो बताने की। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।